हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम काजल और आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। आपने ब्लॉकचेन ही नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपने बिटकॉइन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो बस ब्लॉकचेन को समझना आपके लिए आसान है। बेसिकली बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के अलावा बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में भी यूज हो सकता है। बेसिकली ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम्स पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन और डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में सेट किया जाता है ताकि किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से की जा सके। इस डेटाबेस को कितने भी यूजर्स एक बार में ही यूज कर सकते हैं। अब इसे ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है? बेसिकली ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में गैदर करता है, ग्रुप्स में कलेक्ट करता है। इसे डिजिटल लेजर्स भी कहा जाता है। तो ये जो ये ग्रुप्स में इसको कलेक्ट करता है तो इन ग्रुप्स को ब्लॉक कहते हैं। हर एक ब्लॉक की एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो जब एक ब्लॉक भर जाता है तब वो दूसरे भरे हुए ब्लॉक से जाकर जुड़ जाता है, तो उससे डेटा की एक चेन तैयार होती है और इसीलिए इसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ये हमारा ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी 1991 में स्टुअर्ट हैबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरोनेटा के द्वारा लाई गई थी। ये दोनों ही मैथमेटिशियंस थे। उसके बाद 2008 में इस टेक्नोलॉजी को लाया गया और देन 2009 में इसको रियल एप्लीकेशन मिला जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ। बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ही इसको एक रियल एप्लीकेशन 2009 में मिला था। अब इसके एलिमेंट्स की बात करें तो ब्लॉकचेन एक ऐसे ब्लॉक्स की चेन होती है जिसमें ट्रांजैक्शन या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ब्लॉकचेन की हर ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है। ये हैश हर ट्रांजैक्शन पर जनरेट होता है और ये नंबर्स एंड लेटर की एक स्ट्रिंग है। हैश ऐसा कनेक्शन होता है जो नंबर्स एंड लेटर्स के इनपुट को एक फिक्स लेंथ के इनक्रिप्टेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये बस ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं होता है। ये हैश जो पहले चेन में जो हैशेज यूज हुए हैं, जो ट्रांजैक्शन हैशेज यूज हुए हैं उन पर भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांजैक्शन के हैशेज में या फिर डेटा में कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज किया जाए तो उसकी पूरी सेटिंग्स चेंज हो जाती है। इसके लिए ये ब्लॉकचेन हमें बहुत सिक्योर ऑप्शन लगता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है, अगर आप कुछ चेंजेस करने जाए तो उसमें नया हैश क्रिएट होता है, जिससे अगर डेटा में कुछ हेराफेरी भी हो गई है, कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो तुरंत पता लग सकता है। ये ब्लॉकचेन कंप्यूटर नेटवर्क्स पर स्प्रेड होता है और इन कंप्यूटर्स को नोड्स भी कहा जाता है। अब नोड्स क्या करते हैं? नोड्स इन ब्लॉक्स को या फिर इन डेटा को चेक करके ये बताते हैं कि इन ब्लॉक्स में या फिर इन जो ट्रांजैक्शन इसमें कुछ बदलाव तो नहीं है। अगर कुछ बदलाव होता है तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं इस बारे में, जिससे हम डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। जब ज़्यादातर नोड्स इन ट्रांजैक्शन को या फिर इस डेटा को अप्रूव कर देते हैं तभी इन्हें ब्लॉक्स में लिखा जाता है। तो इस तरह से ब्लॉकचेन हमें बहुत सी जगहों में हेल्प करता है, बहुत से एरियाज में ब्लॉकचेन का यूज़ होता है। ब्लॉकचेन ये डेटा को स्टोर, स्प्रेड एंड प्रिजर्व करने के लिए हमारी हेल्प करता है और ये ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट में अपडेट करता रहता है। देन अब बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन कैसे यूजफुल होता है ये देख रहे हैं। बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक डेटाबेस है जो बिटकॉइन के हर ट्रांजैक्शन को स्टोर करता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन इन करेंसीज के ऑप्शंस को कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स पर स्प्रेड करता है, जिससे इन करेंसीज की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और वो सिक्योर रहती है। ऐसे बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन यूजफुल होता है। वैसे ही हर एक सेक्टर में, अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में पेशेंट्स की मेडिकल रिकॉर्ड्स को सेफ रखने के लिए या फिर उसे स्टोर करने के लिए हम बिटकॉइन का यूज़ कर सकते हैं। देन सप्लाई चेन और वोटिंग सिस्टम में भी हम ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं। अब सप्लाई चेन में इसका यूज़ कैसे हो सकता है? सप्लाई चेन में सप्लायर अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड या फिर अपनी मटेरियल का रिकॉर्ड रख सकता है और उससे हमें उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का पता लग सकता है। और वोटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन हमें बहुत यूजफुल हो सकता है। ऐसे बहुत से एरियाज में ब्लॉकचेन का यूज़ करके हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को सेव रख सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ब्लॉकचेन का सिस्टम रन होता है, ये प्रोसेस रन होता है।
अगर इसके एडवांटेजेस को देखें तो इस ट्रांसफरेंट टेक्नोलॉजी की वजह से एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। देन नेक्स्ट होता है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है वो रिड्यूस होने से हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, कॉस्ट भी रिडक्शन होता है। और देन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो स्टोर रहता है, वो सिक्योर रहता है, वो प्राइवेट रहता है। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी फ्री नहीं होती है, फिर इसका इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो सकता है या फिर यूज़ होता आ रहा है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।